ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਾਈਟਰੋ ਲਾ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆਪਣੇ 100% ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਨਾਈਟਰੋ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ 200% ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਠੀਕ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਡਰੱਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ दारू पी के भी कई लोग जो 5 मिनट भजते हैं कई लोग 10 मिनट भजते हैं ठीक है स्टीरॉइड नाल भी यही हो रहा वा ऑटोमैटिकली स्वाद आना शुरू हो जाना जिहड़ी चीज़ दारू नाल हिट होंदी है दिमाग की डोपामिन वह ये चीज़ों नाल भी हिट होगी आप डाइट खा रहे हैं उहदे विच प्रोटीन डैफिशेंसी है भी अपना कोई भी बंदा वा डाइट खा रहा उहदे विच प्रोटीन की मात्रा घट आ ठीक है तो वह एज ए सप्लीमेंट यूज़ करके वे प्रोटीन नूं अपनी जिहड़ी मात्रा वा प्रोटीन की कंप्लीट कर सकता जिहड़े फेक सप्लीमेंट्स आ रहे हाँ वो डेंजरस ने हेल्थ लिए मैं ये पूछना चाहूँगा थानू सप्लीमेंट ते स्टीरॉइड च की फर्क हुंदा वा किन्ना को दोनों दे विच घाटा पैंदा किन्ना को दोनों का फायदा क्योंकि मोस्टली जिहड़े हैगे जिम वाले वो सप्लीमेंट जिहड़ा वा वो प्रोवाइड करा देंदे ने भी तुसीं ये खा लो है ना ते इन चीज़ां च की फर्क आ मैं दोनों का चलो आप डिफरेंस क्लीयर कर दिंदे आ भी ऑडियंस नूं भी सीन की आ सप्लीमेंट ते स्टीरॉइड दोनों चीज़ां अलग ने सप्लीमेंट का मतलब यह हुंदा वा भी जो तुसीं डाइट खा रहे हो ठीक आ वो डाइट दे विच कोई घाट आ चीज़ की घाट में पूरा करने लई तुसीं कोई सप्लीमेंट लै लिया तुसीं मन के चलो एग्जाम्पल आप डाइट खा रहे हैं उहदे विच प्रोटीन डैफिशेंसी है भी अपना कोई भी बंदा वा डाइट खा रहा उहदे विच प्रोटीन की मात्रा घट आ ठीक आ तां उह एज ए सप्लीमेंट यूज करके वे प्रोटीन अपनी जिहड़ी मात्रा वा प्रोटीन की कंप्लीट कर सकता सो सप्लीमेंट्स हो गए ये गुड हाँ जी इतने एक होर एड ऑन कर सकते हैं जी जब आप फेक सप्लीमेंट्स जिहड़े फेक सप्लीमेंट्स आ रहे हाँ वो डेंजरस ने हैल्थ लई ठीक आ हुण गल करिए स्टीरॉइड की जे पंजाबी समझाउण मैं कह भी तुसी मान लो गड्डी च नाइट्रो लग गई ठीक है तो गड्डी जिहड़ी नॉर्मल स्पीड सी 100 तो हुण नाइट्रो लगन नाल उहदी होगी 200 स्पीड गड्डी दी ठीक है तो हुण की सी ना शरीर आ उहदे अपने हॉर्मोनस ने वर्क कर रहे 100 दी स्पीड ते ठीक है तो हुण स्टीरॉइड्स बाहरों लै ले एक तरीके की नाइट्रो ला ली भी जिहड़े हॉर्मोनस अपने 100% वर्क कर रहे यानी कि मान के चलिए 100 की स्पीड से जा रहे हो नाइट्रो लगन नाल जां स्टीरॉइड्स एंटर करना बॉडी दे विच तां वह 200% काम करना शुरू कर देता अपना शरीर यानी अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स या कह दिए हॉर्मोनस ठीक है जो हुण शरीर के बॉडी पार्ट्स जिहड़े 100 तो 200 की स्पीड से चले गए तो रिजल्ट्स भी किन्ने तकड़े होणगे ठीक है मान लो भी बंदे की रिकवरी तो बॉडी शेप जां फिर कह दिए मानसिकता दे नाल कह दिए भी रिजल्ट छेती मिलणगे तो मानसिकता ऑटोमैटिकली सही होने लग जाती है बंदे की क्योंकि जो कोई बंदा एफर्ट्स ला रहा तो उन्होंने रिजल्ट मिल रहा तो वह खुशी उन्होंने नसीब होगी ठीक है सो सीन ये आ स्टीरॉइड्स तो माड़े आ ठीक है भी जिहड़ी नैचुरल स्पीड आ बॉडी की उन्होंने वधा देंदे आ ठीक है भी जिहड़ी चीज़ कुदरती है नहीं गी ठीक है बाहरों ड्रग लै रहे आपां अपनी बॉडी की परफॉर्मेंस एनहांस करन उह कम खराब ही है आम भाषा च जे असीं कहीए शुद्ध पंजाबी दे विच है तां इह नशा ही है एक तरह दा ड्रग ही आ ड्रग ही कह सकदे हां हाँ जी ड्रग ही कह सकदे हां क्योंकि हुण तुसीं इह देखो ना भी जिहड़ी कह दईए भी हुण दारू पी के भी कई लोग जे 5 मिनट भजदे आ कई लोग 10 मिनट भजदे आ ठीक है स्टीरॉइड नाल भी इही हो रहा वा ठीक है इह ज़्यादातर बॉडी बिल्डिंग वाले करदे ने जिहड़े कॉम्पीटिशन खेडदे ने उहनां च हुंदा इह चीज़ नहीं चलो अपने की सी ना पहलां तां अपने करदे ही बॉडी बिल्डर जिन्होंने स्टेज पर कंपीट करना वा ठीक है तो अजकल तो यह हो चलिया जिमां का हिसाब किताब मैं पता वा मैं चीज़ रहा वा 2 साल नॉर्मल बंदे भी सजैसट नॉर्मल बंदे भी ये चीज़ा सुजैसट की जाए ठीक है मैं भी थोड़ा सोशल मीडिया से औखा बोलता मैं इन्होंने कह दिए भी फिर कहें भी बंदा ए बोलता वा ठीक है तो हुण इन्हों ए ना बोलिया जाए किमें बोलिया जाए ठीक है जे गवर्नमेंट या कह दिए लॉ मेकर ही नहीं कुछ कर रहे इन्हों का ठीक है तो आम बंदा जो कोई आवाज़ चकता फिर ए बोल के ही लौट आए तो अनहैल्दी वे इतने अपने प्रमोट की जाती जाने के माड़े सैलीब्रिटीज़ के थ्रू प्रमोट करते हैं एडवरटाइजमेंट सैलीब्रिटीज़ करते हैं तो आम इनू एक आम चीज़ बना दिता गया वा भी ठीक है गाणियां दे विच भी यही शो किया जाता है बाकी बड़े बड़े सैलीब्रिटीज़ भी ये प्रमोट करते हैं तो जितों का यूथ डिप्रैसड आ ठीक है जो वो चीज़ा ये देखूगा ठीक है तो ऑबवियसली चीज़ा यूज़ भी करूँगा ठीक है जो कोई कहूगा भी जे एड्डा बड़ा सैलीब्रिटी ये चीज़ यूज़ कर रहा तो सानू की आ भी असं तो छोटे हाँ ठीक है ईजीली अवेलेबल है ठीक है ईजीली मिल जाती है तो एट द एंड वो कंज्यूम करूगा ठीक है फिर अखा बंद हो गई बंदे दी ठीक है तो फिर की होगा फिर अनहैल्दी लाइफ स्टाइल वालू तुर पाया बंदा फिर उत्थे मोटापा बीमारियां ठीक है अलकोहल के साइड इफेक्ट चलो इतने तक तो अलकोहल सी जी अलकोहल आ गई ठीक है उदू बाद चिट्टे तक भी अपने इतने बहुत ज़्यादा मात्रा चाहे थोड़ी मात्रा ही नहीं ठीक है तो तुम आप देख लो बड़े बड़े लॉ मेकरस ने कोई उन्होंने घरों या उन्होंने घर का कोई मैंबर इदा दी चीज़ा यूज़ करता नहीं ठीक है आम पब्लिक करती है ठीक है जिहड़े बंदे डिप्रैसड ने तो फिर एट द एंड हैल्थ ते असर पैंदा वा ठीक है मोटापा आ जाता बीमारियां शुरू हो जाए ठीक है तो फिर कितों रहूगा अपने पंजाब का वजूद
ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਡੋਪਾਮਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਪਾਮਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੋਪਾਮਿਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਧੁੱਪੇ ਜਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬੋਰਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੇਨਲੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਡਾਇਟ ਕਲੀਅਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਲੀਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਸੌਂ ਕੇ ਸਲੀਪ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਜਦੀ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਾ ਵੀ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਲੀਪ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਡੋਪਾਮਿਨ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋਊਗੀ।